नमस्कार, आप देख रहे हैं ई संचार और मैं हूं कायनत अंसारी। ई संचार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े लोगों से और जानने की कर रहे हैं कोशिश कि कोरोना की वजह से बने विपरीत हालात में इन क्षेत्रों और इनसे जुड़े लोगों को कैसे और कितना प्रभावित जो है वो किया है और चुनौतियों के बीच कैसे इस क्षेत्र के लोगों ने लगातार अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरा किया है। गुरुग्राम ई संचार में हम बात करेंगे उन योद्धाओं से जिन्होंने कोरोना काल में समाज सेवा से जुड़े क्षेत्र में सराहनीय काम किया। हम बात करेंगे सोहना से पूर्व पार्षद हरीश नंदा और सिकंदरपुर से सरपंच और गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदरलाल यादव से। समाज सेवा से जुड़े अपने मेहमानों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों की कैसे मदद की, समाज सेवा के प्रति इनका क्या नजरिया है और समाज सेवा से जुड़े इस काम में इन्हें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और सरकार से इनकी क्या अपेक्षा है, उम्मीद है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़े हमारे मेहमानों का। सोहना से पूर्व पार्षद हरीश नंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुंदरलाल यादव जो कि सिकंदरपुर से सरपंच हैं और गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही का हमारे साथ इस बातचीत में, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरीश नंदा, उनसे जानना चाहूंगी। सोहना से पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। नंदा जी, पहले तो ये बताएं कि कितने लंबे वक्त से आप समाज सेवा के काम से जुड़े हुए हैं, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, किस कौन आपका जो है इस मामले में आइडल रहा कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए, लोगों की सेवा से जुड़ना चाहिए? ऐसा है कायनाथ जी, मैं पिछले टर्म में 5 साल मैं रहा हूँ पार्षद और ये जो टर्म खत्म हुआ है अभी, इसके अंदर मेरी धर्म पत्नी है कमलेश जी, वो निवर्तमान पार्षद है जी। जब आदमी एक समाज सेवा, तो उसके ऊपर जब पार्षद बन गया, सरपंच बन गया, तो उनका दायरा इतना विस्तृत हो जाता है कि समाज सेवा से वो आदमी अपने आप जुड़ जाता है। अब फिर जब हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, इस कोरोना काल में हमने लोगों के दुख दर्द देखे, तो अगर जिस योग्य भी यथा योग्य हमारी शक्ति थी उसके अनुसार हमने लोगों की मदद की। सुंदरलाल यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिकंदरपुर से सरपंच हैं और एसोसिएशन अध्यक्ष भी हैं, गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बहुत सुंदरलाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कितने लंबे वक्त से, आप सरपंच तो हैं ही, दायित्व आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या एक दायित्व रहता है सरपंच होने के नाते। आप प्रतिनिधित्व करते हैं सैकड़ों ग्रामीणों का, परिवारों का, तो ऐसे में ये जो प्रेरणा है ये कहाँ से आपने हासिल की, कितना लंबा वक्त जो है आपको हो चुका है अभी तक इस सेवा कार्य से जुड़े रहते हुए, और साथ ही एक सरपंच होने के अलावा भी आपने किस तरीके से और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया? पहले जी, सबसे पहले तो मैं आपको चैनल के बधाई देता हूँ कि बहुत कम समय में आज आप प्रदेश का पूरे नॉर्थ इंडिया के अग्रणी चैनल में से एक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दूसरा, आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं। निश्चित रूप से सरपंच का कार्यकाल तो मेरा ये 5 साल था। 10 जनवरी 2021 को हमारे यहाँ चुनाव हुए थे, इससे पूर्व में भी मेरे ताऊ जी, मेरे दादाजी गांव के सरपंच रहे हैं, तो ये एक पुरानी परंपरा थी जिसे हम चलाते आ रहे हैं। बात करें समाज सेवा की, तो निश्चित रूप से जब गांव का सरपंच बढ़ जाता है, अगर सरपंच ना भी हो या पार्षद ना भी हो, तब भी लोग समाज में अग्रणी रहकर समाज सेवा कर सकते हैं। और अभी जो 2019 से और अभी तक की हम बात करें, तो जो ये कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में जिसने तांडव मचाया है, उसने भारत में भी जो इसकी दूसरी लहर थी उसमें बहुत ज्यादा क्षति हमारे देश में भी पहुंची है, तो निश्चित रूप से जो सक्षम लोग थे उन सभी लोगों ने आगे आकर, अगर हम गुड़गांव जिले की बात करें, गुड़गांव बहुत बड़ा जिला है, यहाँ पूरे भारत से भिन्न भिन्न राज्य से लोग यहाँ आकर अपनी आजीविका चला रहे हैं, चाहे वो कोई मजदूरी का काम कर रहे हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मतलब हर प्रदेश के लोग यहाँ आकर गुड़गांव में रह रहे हैं और यहाँ अपने आजीविका चला रहे हैं जी। लेकिन इस कोरोना वैश्विक महामारी में बहुत से लोगों के काम धंधे छूट गए थे जी। बहुत से लोग खाने को मजबूर हो गए थे, तो उस दरमियान में जो सरकार
ने तो अपने प्रयास किए ही है, लेकिन सरकार के साथ साथ यहाँ के सरपंच हो गए, चाहे पार्षद हो गए, चाहे चेयरमैन हो गए, चाहे समाज सेवी हो गए, सबने बढ़ चढ़कर अपने स्तर पर भरसक प्रयास किया कि हमारे यहाँ कोई भूखा ना सोए, हमारे यहाँ से कोई पलायन ना करे। और निश्चित रूप से गुड़गांव जिला इसमें बहुत कामयाब रहा है। उसके लिए मैं यहाँ की जो चुने हुए नुमाइंदे थे और उसके साथ साथ जो यहाँ समाज सेवी थे, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस संकट के समय में उन्होंने लोगों की मदद की। जी बिल्कुल, लोग तो आगे आए ही क्योंकि एक जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर थी, लोगों ने उनको अपना एक तरीके से प्रतिनिधित्व सौंपा था, प्रतिनिधित्व करने के लिए ही वो यहाँ पर आए थे। लेकिन आप कैसे देखते हैं, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि कई लोगों के जो रोजगार है वो खत्म हो गए, कई लोग घरों को बैठ गए और कई लोगों की जीविका जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई कि किस तरह से रोजगार को कमाए, तो ऐसे वक्त में चीजें कितनी ज्यादा बदल गई, जो एक जिम्मेदारी थी वो और कितनी बढ़ गई, कैसे आपने उन सभी हालात को लिया, उसको फेस किया और लोगों की ऐसे वक्त में आपने किस तरीके से मदद की? हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसे नया गुड़गांव कहा जाता है, वो नया गुड़गांव विकसित हुआ है। मेरे आसपास के जितने भी ग्राम थे, मैं गुड़गांव सरपंच एसोसिएशन अध्यक्ष होने के नाते सभी अपने सरपंच साथियों से कोऑर्डिनेट भी करता था और उनके टपले भी थे। पंचायतों में अपने अपने गांव के सरकारी स्कूलों में जो माइग्रेंट लेवर है उनके लिए लंगर की एक व्यवस्था की हुई थी। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मेरे स्कूल में तत्कालीन जो यहाँ डीसी साहब थे अमित खत्री जी, वो वहाँ शुभारंभ करके आए थे और 4 से 5 हजार लोगों को प्रतिदिन हम अपने सरकारी स्कूल में खाना खिलाते थे, दोनों टाइम, सुबह भी और शाम को भी। इसी तरीके से मेरे आसपास के जितने भी गाँव थे वहाँ सभी जगह इस तरह की व्यवस्था की गई थी। गांव में बकायदा मुनादी कराकर हमने प्रत्येक ग्रामीण को, क्योंकि हमारे यहाँ पे कि गांव में 30,000-50,000, कई गांव ऐसे हैं जहाँ 2 लाख के आसपास लोग रह रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो बाहर से आकर यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके सभी के चाहे वो 5 महीने का हो चाहे वो साल भर का हो, हमने किराया माफ कराने के लिए भी उल्टा उनको राशन मकान मालिकों से निवेदन किया, प्रार्थना की उनसे भाई सारी उम्र आप लोगों ने इनसे कमाया, आगे भी इन्हीं से कमाना है जी, जब ये लोग यहाँ रहेंगे तभी तो करेंगे, तो इनका किराया माफ कर दो, इनके खाने पीने की व्यवस्था करो। और लोगों ने इसमें ना सभी अपनी पंचायत चाहे समाज सेवी जिसने भी निवेदन किया हो सभी लोगों ने उस पर विचार किया और निश्चित रूप से हम सभी लोगों की मदद की। ये क्रिटिकल समय था जो बड़ी मुश्किल से निकल पाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आपसे के चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ सभी देशवासियों से कि कोरोना वैश्विक महामारी का नया वेरियंट ओमिक्रॉन जो हमारे देश में अब पैर पसार रहा है, तो अभी ये संकट का समय देश से गया नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि निश्चित रूप से हमें और सावधानी रखनी है और इस वैश्विक महामारी का जब तक अंत ना हो जाए, हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने गांव के साथ, अपने क्षेत्र के साथ, अपने जिले के साथ, अपने देश को सुरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान। बिल्कुल, ये जो अभी चुनौती है ये खत्म नहीं हुई है, अभी खतरा सरों पर मंडरा ही रहा है और सभी का सहयोग जो है वो जरूरी है। यहाँ पर सतर्कता ही यहाँ पर और सावधानी ही कोरोना से बचाव है। हरीश नंदा जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि 2 साल में आप किस तरीके से देख पा रहे हैं कि हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं, पिछले 2 साल से जिन चुनौतियों से पूरा देश जो है वो सामना कर रहा है, इससे लोग किस तरह से, किस कदर प्रभावित हुए, आपके आसपास आपने कैसे देखा लोगों को, कितनी मुश्किल से मुश्किलात से वो दो चार हुए हैं और आपने किस प्रकार से उनकी सहायता की इस मुश्किल वक्त से बाहर लाने के लिए? ऐसा है कायनात की अगर हम इसको पूरे सिनेरियो को देखें तो पिछले 2 वर्षों का समय है उसमें लोगों का जीवन, चाहे वो किसी भी वर्ग से, मध्यम वर्ग से, निम्न वर्ग से या उच्च वर्ग से, सबका प्रभावित हुआ है। इस कोरोना महामारी के दौर में जो मध्यम वर्ग के परिवार थे, जो इस चीज पे डिपेंड है कि घर का एक सदस्य कमाता है और वो पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, उनके लिए वो स्थिति आ चुकी थी कि उनके पास ना तो खाने के लिए राशन था। सरकार ने अपनी तरफ से पूरे यत्न जतन करे हैं लेकिन सरकार के ही का मतलब उनसे नहीं पूरी बात बन रही थी। जब हमारे यहाँ के जितने भी हम जैसे, मैं अपने जैसे कि नहीं कहता, मैं कहता हूँ बहुत से युवा लड़के भी थे, उनके अंदर भी इतना जज्बा था कि हम इनके इस तरीके से सेवा करें, ये हमारे अपने लोगों ने इस मजबूरी में
अपनेपन को पहचान करके, दूसरे के दुख को अपना दुख समझ करके, जिस तरीके से हाथ बढ़ा के एक दूसरे की मदद करी है, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। हमारे सोहना से प्रवासी मजदूर दूर दूर के लिए जा रहे थे, उनके लिए हम सब लोगों ने मिलके वहां पे खाना बनवाया, कैंप लगाया, उनको दवाइयां दिलवाई, उनके लिए रुकने का इंतजाम करा, खाने पीने का इंतजाम करा कायनाथ जी। और इसमें ये हम ये कहेंगे हम नहीं, पर इतना जरूर है कि भाई हम थोड़े से इस सेवा से जुड़े हुए थे पार्षद के नाते, तो जो हम लोगों ने प्रयास करे करे, पर उसमें हमें पूरा सहयोग युवा वर्ग का मिला। और जब ही शायद हम लोग इतने बड़ी महामारी से हमारा देश इस तरीके से पार पा सका कि इतने इतनी बड़ी जनसंख्या का देश होने के बावजूद हमारे देश में इसका और दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम हानि भारतवर्ष में। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से युवाओं ने बढ़ चढ़ कर सेवा के इस कार्य में हिस्सा लिया है वो वाकई में सराहनीय है और काबिले तारीफ है। सुंदर लाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जैसा अभी नंदा जी ने कहा, हरीश नंदा जी ने, कि युवाओं ने बढ़ चढ़ कर जो है इसमें योगदान दिया, अपनी हिस्सेदारी दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सके, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब आपने शुरुआत की तो कितने लोग जो हैं इस सेवा के कार्य में साथ जुड़े, और बढ़ते बढ़ते ये काफिला जो है वो कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा ये कारवां हो गया? सबसे पहले शुरुआत हमने अपने ही गांव से की थी इसमें जी, और गांव से शुरुआत की तो उसमें मेरे गांव, क्योंकि तो वहां मैंने बताया कि पूरा शहरीकरण हो गया, वहां नए गुड़गांव के सेक्टर विकसित हो गए हैं समस्त ग्रामवासियों ने, और नए गुड़गांव की जितनी भी सोसाइटी है उनकी आरडब्ल्यूए ने, आरडब्ल्यूए के साथ साथ वहां के निवासियों ने लगातार 41-42 दिन 5,000 लोगों को जो खाने खिलाने की व्यवस्था की थी वो सब अपने निजी फंड से, अपने पैसे इकट्ठे कर महाव्यवस्था शुरुआत की थी, जो धीरे 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 घूमते हुए हमारे पूरे क्षेत्र में शुरुआत हो गई उसकी, और लगातार सबने मिलकर उसके आसपास के जितने भी ग्रामीण थे और सभी गांव वालों ने मिलकर अपने अपने यहाँ वो व्यवस्था बनाने में भरपूर तरीके से सहयोग किया, एक दूसरे का, कोई भी आदमी हमारे यहाँ भूखा ना सोए, भूख से किसी के साथ कोई हादसा ना हो, तो सबने प्रयास किया और उसमें हम कामयाब भी रहे। दूसरा, कायनाथ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज बताऊंगा, जब देश के मुखिया की नियत और प्रदेश के मुखिया की नियत साफ हो तो निश्चित रूप से वो देश आगे बढ़ेगा। यहाँ मैं बात करूंगा स्वास्थ्य विभाग की टीम का, काबिले तारीफ काम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया है। लोग कहते थे कि लगभग 150 करोड़ की आबादी वाला ये देश है, इसमें 50 साल लग जाएंगे वैक्सीन लगने में, इसमें 60 साल लग जाएंगे वैक्सीन लगने में, लेकिन इस देश का जो मुखिया है उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसके आगे सब नतमस्तक है, सब झुकते हैं, और इस प्रदेश का जो मुखिया है उसके आगे सब नतमस्तक है। इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने काम किया है, मैं नमन करता हूँ स्वास्थ्य विभाग की, भारत सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी, कि उन्होंने इस वैश्विक महामारी में अपनी जान की परवाह ना करते हुए लगातार दिन रात एक करके, चाहे वो वैक्सीन लगाने का काम हो, चाहे वो टेस्टिंग का काम हो, मेरे जिले गुड़गांव को बचाने में जो काम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया है, मैं उनको नमन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर सरकारों ने तो अपना काम किया ही है और वो वाकई में काबिले तारीफ भी रहा है, लेकिन जब तक शासन और प्रशासन की छोटी छोटी इकाइयाँ जो है वो भी इस मामले में अपना रोल अदा नहीं करती, तो हम कह सकते हैं कि हम जिस उपलब्धि को आज हासिल कर पाए हैं वो अधूरी रह जाती, उस तक हम पहुँच नहीं बना सकते थे। तो ये हम जानना चाहेंगे, जब वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ तो कई भ्रांतियाँ थी लोगों के मन मस्तिष्क में, कई लोग भयभीत थे कि वैक्सीन जो है वो ठीक नहीं है, लोगों को कन्विंस करने का काम बहुत मुश्किल रहा, ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से जो है इस मामले में क्या रोल जो है वो अदा किया गया और किस तरीके से आपने लोगों के दिमाग से, उनके मन से इस भ्रम जाल को दूर करने का काम किया। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो मेरे यहाँ सेंटर पर, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, लगभग 200 से ज्यादा कैंप लगे हैं और
मैं अपने क्षेत्र जिस क्षेत्र में वहां रह रहा हूँ जिसमें 81, 82, 83, 84, 85, 86 नई गुड़गांव के सेक्टर लगभग 80% से ज्यादा लोग दोनों वैक्सीन ले चुके हैं। शुरुआत में आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि थोड़ी सी समस्या आई थी, वैक्सीन लगवाने में लोगों में भ्रम था, लेकिन कोविड की ये दूसरी जो लहर थी उसमें जो क्षति हुई है और उसमें लोगों ने अपने को जो खोया है, उसके बाद इस वैक्सीन के लिए जो मारामारी हुई है वो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और निश्चित रूप से आज की अगर हम डेट में बात करें तो हमारे क्षेत्र में हरियाणा, मैं क्षेत्र की क्या अपने प्रदेश की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश पूरे भारत का ऐसा प्रदेश है जो आज टीकाकरण में पूरे भारत में सबसे आगे चल रहा है। उसके लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम दोनों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी टीम को लगातार वैक्सीन करने के लिए गांव-गांव, अब तो गांव-गांव क्या, अब तो घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है, एक एक आदमी से पता करके वैक्सीन लगाई जा रही है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मुझे नहीं लगता कि भारत देश के किसी प्रदेश में ऐसा हो रहा होगा कि एक एक आदमी से पूछ के उसके घर जाकर टीका लगाया जा रहा है। उसके लिए हरियाणा सरकार, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग की टीम 100% बधाई के पात्र है। जी हरीश नंदा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, आप भी पूर्व पार्षद रह चुके हैं सोहना से और अब ये आपकी श्रीमती जो हैं वो मौजूदा पार्षद हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन को लेकर जो है किस तरीके से आपके क्षेत्र में काम किया गया। आपकी तरफ से भी ये जानकारी हासिल हुई कि कई सारे कैंप जो हैं वैक्सीनेशन के लिए लगवाए गए, तो किस कितने लोगों का वैक्सीनेशन जो है इन कैंप के माध्यम से किया जा सका, और अभी जो है क्या अभी भी आपकी ये सेवा जो है वो लगातार जारी है? ऐसा है कायनाथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा के शुरू शुरू में लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति लेके तरह तरह की भ्रांतियां थी, लोगों के मन में बड़ी गलत फहमियां थी, लेकिन जैसे जैसे इस बीमारी का किराल रूप आता गया और लोगों को पता चला कि भाई सिर्फ एक वैक्सीन ही है जिससे कि हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, तो और लोगों को हमने घरों में जाके समझाया, बच्चे बड़ों ने सबने इस काम में मदद करी, तो उससे लोगों का रुझान और सोच बदली। और आज हम अगर ये कहें कि सोहना में लगभग 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर चुका है स्वास्थ्य विभाग, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग हो या सफाई कर्मचारी विभाग हो, सफाई कर्मचारी हो, इस कोरोना काल में चाहे आंगनबाड़ी वाले थे, उन्होंने सबने अपनी भूमिकाओं को बहुत अच्छी तरीके से निभाया और युद्ध स्तर पे प्रयास करके उन्होंने बीमारी से निजात पाने में लोगों की जितनी मदद कर सकते थे उन्होंने करी। स्वास्थ्य विभाग के भी प्रयास सराहनीय थे और जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने। जी बिल्कुल नंदा जी, यहाँ पर जी कोरोना काल में तो लोगों की सेवा जो है आपने बढ़ चढ़ करके की, लेकिन अभी भी आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जो हालात हैं वो भी सामान्य नहीं हो पाए हैं पूरी तरीके से, जैसे हम 2 साल पहले देखते थे उस तरीके से अभी भी स्थिति नहीं बन पाई है, तो चुनौतियां जो है अभी आप और कहाँ कहाँ देखते हैं कि सबसे ज्यादा खड़ी हैं, और कैसे आप मानते हैं कि हम इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं या लोगों तक जो है सरकार की उन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है जिनके बारे में भी लोगों को जानकारी तक नहीं? ऐसा है कायनाथ जी, ये कोरोना जिस तरीके से कोरोना का बार बार अलग अलग तरीके से वापस लौट के लोगों की जिंदगी में आ रहा है, दखल दे रहा है, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि हम लोग जब तक आपस में सिर्फ सरकार के ही सहारे ना रह के जब तक आपस में मिलजुल के प्रयास नहीं करेंगे, और ये इतनी बड़ी चुनौती है कि इसने हमारे भारतवर्ष में लाखों जीवनों को खत्म कर दिया, शायद बहुत से परिवार ऐसे हैं जो इसकी पीड़ा को आज तक उठा रहे हैं कि किसी का जवान पुत्र गया, किसी के पिता गए, किसी की माँ गई, किसी के बहन भाई, सबने कुछ ना कुछ इसमें बहुत लोगों ने खोया है। तो अगर इस चीज को देखते हुए जितनी सावधानी हम बरत सकते हैं उतनी सावधानी बरत रहे हैं, लोगों को जहां तक अभी दोबारा आया हम उस तरीके से साफ सफाई रखने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, और हमारे वहां पे बहुत बदलाव लोगों के जीवन में आया। लेकिन एक बात अवश्य है कि जो मध्यम वर्ग हैं उन लोगों को फिर दोबारा से चिंता लगी हुई है कि कहीं अगर दोबारा से लॉकडाउन लग गया तो ऐसा ना हो जाए कि हमारा परिवार
परेशानी में पड़ जाए। हम लोगों को जाके यही समझा रहे हैं कि सरकार की नीति और नियत साफ है, कोई दूर दूर तक लॉकडाउन लगने की आशंका नहीं है, आप लोग रहिए और जिस तरीके से भी मदद है हम सब लोग मिलकर अपने अपने स्तर पर प्रयास करके उनकी मदद करें। क्या अभी भी आप कुछ ऐसे परिवारों को देख पा रहे हैं जिनके पास जो है रोजगार का कोई साधन नहीं बचा है, उनके लिए दो वक्त की रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है, पेट पालने के लिए कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो ऐसे लोगों की सहायता जो है वो किस प्रकार से आप करते हैं? ऐसा है, मैं एक बात कहना जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आपने हम जितना बड़ा मंच आपने आज हमें दिया है ना, तो हम ये बात अवश्य कहना चाहेंगे सरकार की नीति और नियत में कोई कमी नहीं है, सरकार पूरे तरीके से अपने प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जिस तरीके से मोदी जी ने और खट्टर सरकार ने मार्च तक के लिए गरीब लोगों गरीब वर्ग के लिए गेहूं राशन फ्री देने की बात करी है, कुछ अधिकारी हैं जो इसमें पलीता लगा रहे हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए इस कोरोना महामारी के दौर में भी अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में लग रहे हैं, नहीं तो बहुत सा गरीब वर्ग ऐसा है जिसको जितने प्रयास सरकार कर रही है ना उतने करने से उनकी भरण पोषण हो सकता है, लेकिन इन अधिकारियों की सोच इतनी गंदी है वो इस कोरोना महामारी के समय में भी अपना निजी स्वार्थ पूरा करने से बाज नहीं है। सुंदरलाल यादव जी, कि आप भी क्या इसी तरीके से देख पाते हैं, आप एक सरपंच हैं तो सरपंच होने के नाते आप किस तरीके से आगे विकास को तेज गति देने के लिए काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को किस प्रकार से आप इन विषम परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियों में भी लागू करवा पाए हैं, कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में आप ला पाए हैं अपने प्रयासों के बलबूते? देखिए निश्चित रूप से 2019 की जो अंतिम महीना था उसके बाद से पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी काफी बदलाव हुआ है इस कोविड वैश्विक महामारी के कारण। हमसे पहले भी और हमारे इस कार्यकाल में भी सभी पंचायतों ने अपने स्तर पर बहुत बेहतरीन कार्य अपने अपने गांव में अपने अपने क्षेत्र में किया था। और मनोहर लाल जी की जो सरकार 2016 में बनी 2014 में बनी थी, हमारा कार्यकाल 2016 में स्टार्ट हुआ था क्योंकि प्रदेश में चुनाव उस समय के लिए डिले हो गए थे, वे सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़के तत्कालीन पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में चुनाव कराए थे। उसके बाद हरियाणा में क्रांति आई है 2016 के बाद क्योंकि युवा पंचायत बन के आई थी जिनकी 35 वर्ष आयु पूरे प्रदेश में एवरेज आयु आई है जो पूरे भारत में रिकॉर्ड है। और सभी पंचायतों ने अपने अपने स्तर पर बहुत बेहतरीन विकास कार्य कराए भी हैं जी, लगातार कराए हैं, और उसमें सरकार की नीयत भी बहुत अच्छी रही है, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार जी। ऐसा नहीं है कि प्रदेश की सरकार के साथ साथ देश की सरकार से भी पैसा पंचायतों के पास आता है जी, और लगातार उसमें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तो मतलब सरकार का भी पूरा पूरा सहयोग रहा है इन छोटी सरकारों का। मोदी जी स्वयं चाहते हैं कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, और उसी नीति पर हरियाणा के मुखिया भी चलते हैं, सर्वोपरि उनके लिए गांव है उसके बाद शहर है, तो दोनों ही सरकारों की नीयत साफ है कि पहले गांव को आगे बढ़ाओ, जब गांव आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल हरीश नंदा जी, मैं आपसे ये जान कहूंगी कि कोई एक आखिरी मैसेज जो आप इस मंच से देना चाहें दर्शकों को और उन लोगों को जिन तक आपकी सहायता पहुंची है या उन लोगों तक जिन तक आप अपनी सहायता पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा है कायनाथ जी, आपके चैनल के माध्यम से हम एक मांग सरकार से अवश्य करेंगे कि सरकार अपने स्तर पे जितने प्रयास कर सकती है उनके बहुत अच्छे सार्थक परिणाम आ रहे हैं। सरकार की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, और सरकार के बाद हमारे स्थानीय विधायक भी जो हैं उनके भी प्रयास इसी तरीके से रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के दौर में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, लेकिन हम ये जरूर सरकार से कहेंगे कि एक बार दोबारा से शायद हमें ये जो बूस्टर डोज है अगर ये वरिष्ठ नागरिकों को लोगों को जल्दी से जल्दी उपलब्ध होके कोरोना वायरस के अलावा ये एक आम जो 60 वर्ष से बुजुर्ग हैं उनको लगा के उनके लिए भी सुरक्षित ताकि वो भी अपने परिवार में आराम से रह सकें,
क्योंकि जब से यह कोरोना का तीसरी लहर लौट के आई है, लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं आ रही है जी। यानी कि वैक्सीनेशन में और तेजी आनी चाहिए, बूस्टर डोज जो है उसको देने का काम और तेज होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और उम्मीद हम यही करेंगे कि आप जिस तरीके से अपना काम करते आए हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते आए हैं, उसी तरीके से आप आगे भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहें, ताकि सरकार जो अपनी योजनाएं लोगों तक पहुँचाना चाहती है, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाना चाहती है, वो काम बखूबी पूरा हो सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।